internal trip. Lift your energy from Shakti Kendra to Gyan Kendra. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है अंतर यात्रा, जिसको अंग्रेजी में इंटरनल ट्रिप कहते हैं। हम जो प्रयोग ध्यान के कर रहे हैं, उन ध्यान के प्रयोगों के अंतर्गत आपने देखा श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हो रहा है, कायोत्सर्ग का प्रयोग हो रहा है और अंतर यात्रा का प्रयोग नए क्रमों से हमने जोड़ा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है अंतर यात्रा का। अंतर यात्रा मतलब भीतर की यात्रा। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की यात्रा करते होते हैं, लेकिन इस अंतर यात्रा की चर्चा करने के पहले हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को बताना चाहेंगे कि एक बादशाह था, उसको एक रात मध्य रात्रि में एक स्वप्न आया। मध्य रात्रि से थोड़ा वक्त ज्यादा हो चुका था, यानी सुबह सुबह होने का वक्त था। उस स्वप्न में उस रात्रि में जब सोया हुआ था तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक काली छाया उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है कि राजन, इसे स्वप्न मत समझना, यह हकीकत है। मैं तुम्हारी मौत हूं और मैं तुम्हें लेने के लिए कल, यानी आज के बाद कल मैं तेरे पास आऊंगी। तुम सही स्थान पर और सही जगह पे सही समय में पहुंच जाना। राजा सोया हुआ था, जब इस स्वप्न को देखा और मौत की बातें जब हुई तो अचानक से उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और नींद खुल गई। देखा सुबह सुबह का समय सुबह का था, ब्रह्म मुहूर्त का वक्त था। उसने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि आप हमें बताएं इस स्वप्न का क्या अर्थ है। मंत्री ने कहा कि यह स्वप्न का अर्थ मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे जो स्वप्नविद विश्लेषक हैं वो इसकी बात को विशेष रूप से बता पाएंगे, इसलिए मैं सारे स्वप्नविद विश्लेषकों को बुला लेता हूँ। एक हम लोग एक मीटिंग बना लेते हैं और उसमें ये चर्चाएं कर लेंगे और उन चर्चाओं के माध्यम से जो निष्कर्ष सामने आएगा उसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा ये मीटिंग तुरंत से बुलाई जाए और तुरंत से एक घंटे के अंदर वो सारी मीटिंग अरेंज हो गई और सारे विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े स्वप्नविद विश्लेषक थे, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथों को लेकर उस राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने अपनी बात उनसे कही कि मैंने इस किस्म का स्वप्न देखा है और वो कह रहा है, स्वप्न में वो काली छाया कह रही है कि मैं स्वप्न नहीं हूं, इसे स्वप्न मत समझना, ये हकीकत है, सच्चाई है, मैं मौत हूं तुम्हारी और मैं लेने आऊंगी, कल लेने आऊंगी, इसलिए तुम सही स्थान पर और सही वक्त में उपस्थित रहना। अब उसमें स्वप्नविद सब एक से बढ़कर एक विद्वान थे, सब सब कोई कहता कि ये जब सुबह का स्वप्न है तो सत्य है, इसमें सत्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब तक उसकी बात पूरी नहीं होती दूसरे विद्वान उसी बात को काट देते और कहते कि स्वप्न कभी सच्चाई और हकीकत नहीं होता। इस तरह से विद्वानों में आपस में एक दूसरे में विद्वान एक दूसरे से लड़ने लगे और बात पूरा सभा एक कोलाहल बन गया और ये घंटों तक विचार विमर्श चलते रहे। सूरज निकल आया था, राजा परेशान होने लगा। राजा की परेशानी बढ़ने लगी क्योंकि वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, दिन होने लगा है, सुबह हो चुका है, धूप उग चुकी है और वो जो विषय शुरू किया गया था वो विषय भी बदलकर कहाँ का कहाँ पहुंच गया था। कभी भी 10 विद्वान एक साथ जब बैठे तो विचार विमर्श की कोई निष्कर्ष निकल पाना बड़ी मुश्किल होता है। राजा की बेचैनी उसका एक बूढ़ा नौकर देख रहा था। उससे राजा के पास वह नौकर राजा के पास गया और उसके कान में कहा कि राजन, कहां किन चक्रों में फंसे हो। वह स्वप्न स्पष्ट रूप से कह कर गई है कि वह तुम्हारी मौत है और वो निश्चित लेने आएगी, तो इनके विचारों में क्या रुकना, तुम निकल जाओ, भागो जितनी दूर भाग सकते हो इस मौत से। राजा को उस नौकर की बात अच्छी लगी और वो उस बीच सभा में विद्वानों के कोलाहल के बीच से उठा और निकल लिया और अपने घुड़साल से एक जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था उसको लिया और उस पर सवार हुआ
और भाग निकला मौत से बचने के लिए। अब वो भागता जा रहा है, सूरज चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिसके पीछे मौत हो उसे कहां यह होश, वह तो बेहोशी की मुद्रा में भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। दोपहर हो आया है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन रुकने की किसे फुर्सत, क्योंकि मौत जिसके पीछे हो वो रुकेगा कहां। और बहुत भागता रहा, परेशान, भागते भागते अपने राज्य से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल गया। संध्या का समय होने को आया, राजा धीरे धीरे शांत होने लगा, स्थिर होने लगा, और उसे महसूस होने लगा कि अब मैं अपने राज्य से काफी दूर निकल आया हूं, अब मौत हम तक नहीं पहुंच सकेगी। वह थोड़ा आश्वस्त होने लगा और धीरे धीरे वह अब एक स्थान पर एक जंगल में रुका, एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांधा और थोड़ा सुस्ताने लगा। अब यूं सुस्ता ही रहा था कि फिर से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजा मुड़कर देखा तो काली छाया उसी के पास, और काली छाया ने कहा कि राजन, तुम्हारा यह घोड़ा वास्तव में रहा होगा स्वर्ण पदक विजेता, क्योंकि इसने सही समय में और सही वक्त में सही स्थान पर पहुंचा दिया। मैं आश्चर्यचकित थी, मौत कह रही है कि मैं आश्चर्यचकित थी कि तेरी मौत इस स्थान पर लिखी हुई है, जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर तुम अपने राज्य में थे, आखिर यहां तक पहुंचोगे कैसे, इस घबराहट में मैं तुम्हारे पास पहुंच गई, और उस घबराहट में मैंने देखा कि तुम वास्तव में, ये तुम्हारा घोड़ा निश्चित रूप से सैकड़ों स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता रहा होगा, जो तुम्हें ठीक समय पर सही स्थान पर सही समय में पहुंचा दिया, और अंत में सही स्थान पर राजा की मौत हो गई। हम भी जीवन में इस मौत से बचने के सैकड़ों प्रयोजन करते हैं, लेकिन भागना जब भी होगा तो भागना मौत की ओर ही होता है। इसलिए भागने के क्रम का छोड़ना और रुकने के क्रम को जोड़ना, यही मूल है अंतर्यात्रा का पर्पस और प्रयोजन। अंतर्यात्रा मतलब बाहर की क्रियाओं को विराम देकर हम अपने भीतर की क्रियाओं से जुड़ जाए। हम अभी तक भौतिक जगत के बाहर की क्रियाओं के साथ जुड़े हैं, बाहर की क्रियाओं को रोकने और अपने भीतर की क्रियाओं से जुड़ना ही अंतर्यात्रा कहलाता है। हम मनाते हैं अपने जन्म दिवस को, बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, आनंदित और खुश इस बात से होते हैं, ये तो हमारा 30वां जन्म दिवस है, ये 40वां जन्म दिवस है, इस बात की खुशी मनाते हैं, जबकि यह दुख की बात है कि हमारे जीवन के 30 साल और 40 साल निरर्थक चले गए, उसमें सार्थकता नहीं थी, हम इस भौतिक जगत की व्यवस्थाओं के लिए ही लिप्त थे। लेकिन एक जब से सजगता बढ़ गई तभी से जीवन की असली शुरुआत हुई। अब जब हमारे साथ आप जुड़े हैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म की यात्रा करने जब चले हैं, तो वो उस यात्रा, यही यात्रा असली जीवन की शुरुआत। तो अंतर्यात्रा का मूल पर्पस हो गया, बाहर की क्रियाओं को विराम देकर हम अपने भीतर की क्रियाओं से जुड़ जाएं, इसे ही अंतर्यात्रा कहते हैं। आपने सुना होगा, बड़े प्रयोग सुने होंगे कि अंतर्यात्रा का प्रयोग हम प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में कहते हैं। कई जगह आपने सुना होगा कुंडलनी जागरण के प्रयोग, ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने के प्रयोग, ये सारे प्रयोग एक से मैच करते हुए होंगे, लेकिन अंतर्यात्रा का प्रयोग लाजवाब प्रयोग है, बड़ा बेहतरीन प्रयोग है। अगर यह प्रयोग किसी के लिए सध जाए, जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक सधे, तो इस प्रयोग से ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आध्यात्मिक जगत तक पहुंचने में व्यवधान पैदा कर सके। सबसे पहले इसकी कुछ आध्यात्मिक बिंदुओं को हम समझें। अंतर्यात्रा का सबसे पहला आध्यात्मिक बिंदुओं को समझने के पहले हमें समझना यह चाहिए कि अध्यात्म कहते किसको, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि हम दो तरह से आपको बातों को बताने का प्रयास करते हैं। एक तो हम कहते हैं इसके आध्यात्मिक बिंदु, स्पिरिचुअल व्यूज, और दूसरा हम कहते हैं वैज्ञानिक व्यूज, साइंटिफिक व्यूज। हम अंतर्यात्रा के आपके साइंटिफिक व्यूज को भी बताएंगे और इसके आध्यात्मिक बिंदुओं को भी बताएंगे। लेकिन अध्यात्म किसे कहते हैं ये समझते हैं। अध्यात्म का मतलब है अधि आत्म, अधि मतलब होता है नजदीक, आत्म मतलब आत्मा, चेतना।
जो आत्मा के नजदीक पहुंचाए उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे हमारे केंद्र का नाम है अध्यात्म साधना केंद्र। अध्यात्म का मतलब जो आपको आपके नजदीक चेतना के आत्मा के प्राण के नजदीक पहुंचाने में सहयोग कर सके वो है अध्यात्म साधना केंद्र। वैसे ही इसका कोई भी किसी भी बिंदुओं का जब आध्यात्मिक बात की जाए यानी वह बिंदु वह चीजें आपको आपके आत्मा से जोड़ने के प्रयोजन है जोड़ने के प्रयोग होंगे जो आपको अपनी आत्मा अपनी चेतना के नजदीक पहुंचाने की व्यवस्थाएं। अंतर यात्रा का पहला आध्यात्मिक बिंदु ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्ध्वारोहण मतलब ऊपर उठाना। हमारे शरीर के अंदर प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत 13 चैतन्य केंद्रों की चर्चा की गई। ये आगे आने वाले वक्त में हम चैतन्य केंद्रों की चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन अभी समझना यह है कि प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्रों की चर्चा की गई है। योग के अंतर्गत इन्हीं बातों को जो प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र कहते हैं योग में इन्हीं बातों को कहा गया है जिसको चक्राज के नाम से जानते। जब आप कुंडलनी जागरण के प्रयोग के बारे में सुना होगा, कई लोग करवाते भी रहे हैं, तो जब वो प्रयोग के बारे में सुना होगा तो उन चक्रों की बात की गई होगी, उन चक्रों को जागृत करें और ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करें। हमारे प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्रों की चर्चा आई है। उस 13 चैतन्य केंद्रों में से एक बड़ा मुख्य चैतन्य केंद्र है जिसको शक्ति केंद्र कहते हैं और योग में उसी स्थान को मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है। हम प्रेक्षा ध्यान में उसे शक्ति केंद्र कहते हैं यानी वह केंद्र जहां शक्ति अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, इन्फिनिट शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो सारी शक्तियां क्या है, सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में, वो जागृत नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर बनने की पूरी क्षमता उपलब्ध है, लेकिन हर व्यक्ति भगवान बुद्ध और भगवान महावीर नहीं बन पा रहा है क्योंकि वह उन शक्तियों को जगा नहीं पाया, और अगर किसी ने जगाया तो उसको सही दिशा ना दे पाया जिसके कारण उसके भीतर मुश्किलें पैदा हुई और वो उस लक्ष्य को ना प्राप्त कर सके। अंतर यात्रा का प्रयोग आपको उसके जगाने के प्रयोग हैं और उसको सही दिशा तक सही स्थान तक पहुंचाने के प्रयोग। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण इसका पहला आध्यात्मिक बिंदु है यानी जो इन्फिनिट ऊर्जा अनंत ऊर्जाएं जो शक्ति केंद्र में बैठी हैं। यानी आप ऐसे समझिए जब शक्ति केंद्र में अनंत ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं तो उस ऊर्जा का हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है क्योंकि वो ऊर्जा सुप्त अवस्था में शक्ति केंद्र में पड़ी हुई। जैसे एक उदाहरण से आप समझें इसे कि आपको बहुत प्यास लग रही है, लेकिन बहुत प्यास लग रही है तो प्यास को बुझाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास कुआं है, कुएं के पास जाएंगे और कुआं भी जल से भरा हुआ है, तो क्या कुएं के पास जाने मात्र से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। बुझेगी तब जब कुएं से जल को निकाल कर आप अपने बर्तनों में रख लें और जब जरूरत हो तो पानी का उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि अब वो आपके पास है। वैसे ही इन्फिनिट ऊर्जा हमारी शक्ति केंद्र में पड़ी हुई है जिसका हमारे दैनिक जीवन में उसका कोई खास यूज नहीं हो रहा, वो सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। अगर उस ऊर्जा का लाभ हमें लेना होगा तो हमें उस ऊर्जा को जगाकर सही स्थान तक पहुंचाना होगा, फिर हम उसे भौतिक जगत में के साथ साथ हम आध्यात्मिक जगत में उसका लाभ ले सकते हैं। जो ऊर्जाएं सुप्त अवस्था में पड़ी हुई उस पर कैसे हम जगाएं? जैसे कुएं से पानी हम निकालते हैं तो बाल्टी और रस्सी का सहारा लेते हैं जिसके माध्यम से हम कुएं से पानी बाहर निकालते हैं और अपने बर्तनों में उसे इकट्ठा कर देते हैं। वैसे ही अंतर यात्रा के प्रयोगों में आप अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपनी सजगता को, अपने होश को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र कौन सा स्थान है ये भी समझने की जरूरत है। बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि शक्ति केंद्र यानी मूल आधार चक्र कहते किसे। साइंस में विज्ञान के अंतर्गत इस भाग को पेरेनियम कहा गया है। पेरेनियम उस भाग को कहते हैं जहां एनस और यूरिनल के बीच का भाग बनता है, यानी यूरिनल और एनस के बीच का जो गैप है, जो खाली स्थान है, उस स्थान को विज्ञान ने पेरेनियम कहा, योग ने उसके मूलाधार चक्र कहा,
प्रेक्षा ध्यान ने उसी स्थान को शक्ति केंद्र कहा। इसीलिए योग में जब ऋषि मनीषी चर्चा करते थे और ध्यान की बात आती थी तो वो ऋषि मनीषी कहा करते थे कि ध्यान के लिए कम से कम सिद्धासन का उपयोग जरूर होना चाहिए। सिद्धासन में क्या करते हैं, जो आपके हिल्स होते हैं, एड़ी होती है, उस एड़ी को उस गुदा और उसके एड्रेनल के बीच में लगाया जाता है, जिससे उस चक्र उस केंद्र पर दबाव बनता है जिससे वह सक्रिय होती है। इसलिए सिद्धासन का प्रयोग बताया गया था योग। बट आज हम उस सिद्धासन की बात ना करें, आज हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं के साथ अपनी सुविधाओं सुविधा के अनुसार हम करें तो भी हमें उसका लाभ पूर्ण रूप से मिले। यानी शक्ति केंद्र वह भाग हो गया जिस भाग में जो यूरिनल और एनस के बीच का भाग है, यानी आप अपने चित्त को अपनी चेतना को उस बीज के भाग पर केंद्रित करें। यानी जब आपको बोला जाता है तो रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर दोनों नितंबों के बीच गुदा के पास शक्ति केंद्र, ये स्थान बोला जाता है। जब आप अपने चित्त को अपनी सजगता को अपने होश को अपनी जागरूकता को उस पर्टिकुलर स्थान पर केंद्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, वह जब बार बार हमारी कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे उस पर बढ़ती जाती है वह केंद्र जागृत होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। क्यों, आपने देखा होगा, सब लोगों ने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास जरूर देखा होगा और मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ एक प्रयोग भी आप लोग जरूर करते रहे होंगे। और वह प्रयोग क्या है, वह प्रयोग यह था कि मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से हम सन रेज को अपने कागज के टुकड़े पे डालते थे और वो कागज के टुकड़े में थोड़ी ही देर में आग लग जाती थी। ये आग लगना क्या है, आग क्यों लग रही थी, जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सन रेज की जो किरणें हैं इकट्ठी होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो उस किरणों में वो क्षमता है जो आग पैदा कर देती है। मैग्नीफाइंग ग्लास सिर्फ इतना ही करता है कि उन किरणों को एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, लेकिन जलाने की क्षमता उस सूर्य में है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास सिर्फ इकट्ठा करने का काम करता है। वैसे ही शरीर के अंदर ऊर्जाएं हैं, वाइटल एनर्जी है, जीवनी शक्ति है। अगर उस जीवनी शक्ति को हम एक स्थान पर इकट्ठा कर दें तो जो उस स्थान पर है उसमें भी अग्नि पैदा हो जाएगी, ऊर्जा पैदा हो जाएगी, और जहां ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा एक्टिव हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी। तो जब ध्यान का प्रयोग आप किसी अंग विशेष पर करते हैं, जब उस अंग विशेष पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे ही अंग विशेष पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस अंग में जो कुछ भी एक्टिविटी होती है वहां की जो ऊर्जाएं हैं वो जागृत होने लगती हैं, सक्रिय होने लगती है। अंतरयात्रा के प्रयोगों में जब हम कहते हैं कि आप अपने चित्त को अपने शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें, जैसे ही शक्ति केंद्र पर आप अपने चित्त को होश को सजगता को केंद्रित करते हैं वैसे ही आपकी जो सुप्त ऊर्जा है वो जागृत होने लगेगी। और जब ऊर्जा जागृत होने लगेगी तो क्या होगा, ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलेगी, ऊर्जा फैलने के मार्ग चारों दिशाओं में होंगे, चारों दिशाओं में ऊर्जा फैलेगी। और जब चारों दिशाओं में ऊर्जा फैलेगी तो निकलने के जिधर जिधर रास्ते होंगे उससे ऊर्जा रिलीज हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उन ऊर्जा को जगाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो चारों दिशाओं में फैलकर शरीर से बाहर निकल रही है तो हमारे लिए कोई बहुत उपयोग की बात नहीं। उपयोग की बात तो तब हुई जब उस ऊर्जा को हम अपने मस्तिष्क में ला सके तो उसका सही सदुपयोग हम कर सकते हैं अपने जीवनचर्या में भी और आध्यात्मिक विकास में। लेकिन वह ऊर्जा जब वहां जगती है तो चारों दिशाओं में फैलती है, निकलने के जो रास्ते हैं सारे रास्तों से निकलते हैं, लेकिन निकलने के रास्ते कौन से हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं इंद्रियों के माध्यम से ऊर्जा रिलीज होती है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं, जो हमारे पांच इंद्रियां हैं, जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, जिह्वा है, नोज सुगंध है,
और शरीर है स्किन, इसके माध्यम से ऊर्जाएं रिलीज होने लगती है। और अगर ऊर्जाएं रिलीज हो तो उस ऊर्जा का हमारे लिए ज्यादा उपयोग न हो पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ऊर्जा का उपयोग चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन इंद्रियों को रोक देना पड़ेगा। जो इंद्रियों से ऊर्जा रिलीज हो रही है उन्हें रोकना है। रिलीज होने के लिए क्या है? आंख। तो अब जब ध्यान के प्रयोग में आप बैठते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, यानी बाहर की चीजों को सुनने से अपने आप को हटा देते हैं। तो इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी वो क्या होगा, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, भीतर की ओर जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आप अपने भीतर की ओर जुड़ते हैं और जब ऊर्जा जागृत होने लगती है, निकलने के अगर सारे मार्ग बंद हो जाएं, तब वो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्ध्वगमन होगी, ऊपर की ओर उठेगी। एक उदाहरण से ऐसे समझिए, एक बाल्टी के अंदर 5 छिद्र है और एक एक बूंद पानी ऊपर से टपकती रहे तो क्या होगा? कितने देर में बाल्टी भर जाएगी? बाल्टी कभी नहीं भरेगी। उसमें से 4 छिद्र को भी बंद कर दें और एक एक बूंद ड्रॉप ड्रॉप वाटर अगर आता रहे तो भी बाल्टी कभी ना भरेगी। अगर पांचों के पांचों छिद्र को बंद कर दिया जाए, निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा? पानी की जब बूंदे आती जाएगी तो बाल्टी के अंदर पानी का जल स्तर ऊपर उठता जाएगा और धीरे धीरे बाल्टी भरती चली जाएगी। सेम वही स्थिति शरीर के स्तर पर होती है कि जब निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। और ऊपर उठने का रास्ता क्या होगा? सुषुम्ना नाड़ी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा गया, उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होती है, ऊपर उठती चली जाती है। और उस सुषुम्ना का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, जिससे वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर हमारे मस्तिष्क में आने लगती है, जिससे मस्तिष्क की क्षमताएं विकसित होने लगती है, सक्रिय होने लगती है। और जो डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी मस्तिष्क के भीतर है वो फुलफिल हो जाती है। और ब्रेन इतना शार्प, इतना एक्टिव, इतना सजग, मेमोरी पावर इतनी शक्ति, इतना एक्टिव हो जाता है, स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो कुछ भी डिसीजन देता है वो अपने पूरी सजगता के साथ जब देता है वो डिसीजन बड़ा परफेक्ट होता है। ये भौतिक जगत की ओर लागू होता है, लेकिन वही जब आध्यात्मिक जगत की ओर जाता है, जब ऊर्जा विकसित होती है, आप मान कर चले अगर ब्रेन, एक व्यक्ति ब्रेन का कितना उपयोग करता होगा? 2%, 3%, 4%, ज्यादा से ज्यादा 4%। सबसे ज्यादा ब्रेन का उपयोग अगर किसी ने किया है तो एक साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने सबसे ज्यादा ब्रेन का उपयोग किया है। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उपयोग जो उन्होंने किया वो 7 से 8%, 7 to 8% ओनली। 8% में वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए। हम लोग तो 2%, 3%, 4% वाले लोग हैं, फिर भी बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अगर यह ब्रेन ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगमन करें और ब्रेन 100% सक्रिय हो जाए तो हमारे लिए पूरी सृष्टि पारदर्शी हो जाएगा और जो अध्यात्म का परिप्रेक्ष्य वही खुलता है। उसी को योग में सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार। बुद्ध और महावीर के भीतर वो ऊर्जा के माध्यम से मस्तिष्क को 100% जागृत कर दिया और जैसे ही मस्तिष्क 100% एक्टिवेट हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त किए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच समन्वय हो। हम इस भौतिक जगत में जो बहुत कष्ट भोग रहे हैं, चिंता और परेशानियां हमारी हैं, वो चिंता और परेशानियां हमारी खत्म हो जाए और हम इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच एक समन्वय बना सकें, एक तालमेल बना सकें, एक संतुलन पैदा कर सकें, जिससे हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय और शांतिपूर्ण हो सके। तो अंतर यात्रा का पहला आध्यात्मिक बिंदु ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, यानी अंतर यात्रा के प्रयोग करेंगे तो आपका, आपके ऊर्जा का जागरण होगा और उस ऊर्जा को सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, जिसके माध्यम से आपकी अंतर चेतना से, अपने आप से, अपने भीतर से जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक बिंदु बाहर की क्रियाओं को विराम देकर अपने भीतर की क्रियाओं से जुड़ना ही अंतर यात्रा कहलाता है। इसके क्रमों में मैंने चर्चा की थी कि अंतर यात्रा का आध्यात्मिक बिंदु क्या है और अध्यात्म की बात हमने की थी
उस अध्यात्म की बात पर हमने आपसे बताया था कि अध्यात्म उसे कहते हैं अधि आत्म, अधि मतलब नजदीक, आत्म मतलब आत्मा, चेतना, प्राण जो कह ली। तो अध्यात्म का मतलब कि वह रास्ता, वह मार्ग, वह बिंदु, वह व्यवस्था जो आपको आपकी चेतना से जोड़ सके। जो चेतना से जोड़ने की व्यवस्था है उसे अंतर यात्रा कहते हैं। हम बहिर यात्रा अपने जीवन में हर क्षण करते रहते हैं, लेकिन अंतर यात्रा का प्रयोग हमने जीवन में बहुत कम किया है। इसलिए बहिर यात्रा के साथ साथ भीतर की यात्रा भी अगर हो तो व्यक्ति का जीवन स्वस्थता और संतुलन में चलेगा। वो दोनों के बीच समन्वय कर सकेगा, आइडेंटिफाई कर सकेगा कि कौन सी चीजें हमारे जीवन की व्यवस्था को बेहतर कर सकती है। वो अंतर यात्रा के प्रयोगों के माध्यम से संतुलन आता है। सबसे बड़ी चीज क्या है अंतर यात्रा के प्रयोगों में, जो मैंने पहला बिंदु बताया था, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण। यानी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण का अर्थ हमने बताने का उस दिन प्रयास किया था कि जो ऊर्जा हमारे सुप्त है, हमारे बॉटम ऑफ द स्पाइन, जिसको योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र कहते, सॉरी योग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं, अपने प्रेक्षा ध्यान में उसको शक्ति केंद्र कहते हैं, जहां इन्फिनिट एनर्जी पड़ी है। जब हम ध्यान को वहां केंद्रित करते हैं तो उस ऊर्जा को उठाने का प्रयास करते हैं। इस पे हमारी चर्चाएं हो चुकी है। इसको विस्तृत जानना होगा तो भाग्य की ओर फिर से एक बार देखना पड़ेगा ताकि आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सके। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके दूसरे आध्यात्मिक बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इसका दूसरा जो आध्यात्मिक बिंदु है वह है हमारा ईड़ा और पिंगला का संतुलन। दूसरा आध्यात्मिक बिंदु कि अगर अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं तो आपके भीतर जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है उसका संतुलन करता है अंतर यात्रा का प्रयोग। योग कहता है कि शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नर्व्स हैं। ये 72,000 नाड़ियां ही हैं जो शरीर को संचालित कर रही हैं, चला रही हैं, सारी शरीर को गति दे रही हैं। और ये 72,000 नाड़ियां जो हमारे लिए हैं, इन 72,000 नाड़ियों के माध्यम से शरीर व्यवस्थित व्यवस्था में और संतुलित व्यवस्था में चल रहा है। इसमें योग कहता है कि इसमें से दो नाड़ियां बड़े मुख्य माने गए हैं, एक नाड़ी जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और दूसरी नाड़ी जिसे पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी का संबंध हमारे स्वरों से जोड़ा गया है। स्वरों का मतलब नॉस्टिक, स्वर विज्ञान अपने आप में एक बड़ी व्यक्त विज्ञान है। तो ईड़ा का संबंध हमारे स्वरों से जोड़ा गया है, और जो उसमें ईड़ा नाड़ी को हमारे लेफ्ट स्वर, जिसको स्वर की भाषा में चंद्र स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर का मतलब चंद्रमा, वह स्वर जिसको लेफ्ट नॉस्टिल कहा जाता है। हमारे दो नॉस्टिल छिद्र है, एक लेफ्ट है एक राइट। आप देखेंगे तो दोनों स्वर कई बार अल्टरनेट खुले होते हैं, कई बार एक खुले होते हैं, कई बार दोनों खुले होते हैं, कई बार दोनों बंद होते हैं। ऐसा जीवन का क्रम हमारा चल रहा होता है। और कहते हैं कि इन शरीर की व्यवस्थाओं से असंतुलन पैदा होता है, और यही अगर नाड़ियां संतुलन में आ जाए तो व्यक्ति स्वस्थता में और अध्यात्म प्रवेश कर सकते। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर यात्रा के प्रयोगों से इन नाड़ियों के बीच संतुलन पैदा होता है। जैसा मैंने कहा कि लेफ्ट स्वर, जो लेफ्ट साइड का स्वर है, नॉस्ट्रिल चित्र है, वह हमारे चंद्र स्वर कहलाते हैं, और जो राइट साइड का चित्र है उसे हमें हम सूर्य स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा सक्रिय हो जाए, मोर एक्टिव हो जाए, तो उस व्यक्ति के भीतर चंद्रमा के गुणधर्म अधिकता में होंगे। चंद्रमा में गुणधर्म क्या है? चंद्रमा में गुणधर्म यही है कि चंद्रमा शीतलता देता है, शांति देता है। तो अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट नॉस्टिल ज्यादा सक्रिय हो जाए, मोर एक्टिव, तो उसके भीतर ज्यादा शीतल हो जाएगा, ज्यादा शांत हो जाएगा, ज्यादा पीस में चला जाएगा। और इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो ज्यादा, इतना ज्यादा पीस, इतना ज्यादा शांत, इतना एकांत प्रिय, इतना कटा कटा सा, खिन्न खिन्न सा रहने लग जाएगा वह व्यक्ति, जिससे उसका यानी चंद्र स्वर की अधिकता के कारण उसके असंतुलन होगा, और जिसको हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को काफी एंजाइटी हो जाएगा, काफी विचारों की श्रृंखला उसके भीतर आएगी, समाज से अपने आप को कट।
यानी डिप्रेशन एंजाइटी कह सकते। दूसरे क्रमों में अगर हम सूर्य स्वर को देखें तो सूर्य स्वर, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा सक्रिय हो जाए, मोर एक्टिव हो जाए, उस व्यक्ति में सूर्य के गुणधर्म आ जाए। सूर्य के गुणधर्म गर्मी पैदा करना, उष्मा पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना। अगर ज्यादा गर्मी हो जाए, ज्यादा उष्मा हो जाए, ज्यादा सूर्य स्वर प्रभावित हो जाए तो क्या होगा, वह व्यक्ति आक्रामक हो जाएगा, क्रोधी होगा, उदंड होगा, यानी सारी चीजें उसकी मोर एक्टिविटी हो जाएगी, एक इन एक्टिविटी की ओर चला जाएगा मोर, और एक ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी की ओर चला जाएगा। और जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारा चंद्र स्वर ज्यादा चले वो अच्छा है या सूर्य स्वर ज्यादा चले वो अच्छा है? अच्छा वह है कि दोनों स्वरों के बीच संतुलन होना चाहिए। महत्ता इस बात से है कि न ज्यादा स्वर चलने महत्वपूर्ण है, न ज्यादा सूर्य स्वर चलने महत्वपूर्ण। जिस समय हमें जरूरत चंद्र स्वर की है उस समय चंद्र स्वर चले, जिस समय हमें जरूरत सूर्य स्वर की है उस समय हमें हमारे भीतर सूर्य स्वर चले। ये संतुलन होना, योग इस संतुलन की बात करता है, आवश्यकता अनुसार हमारे स्वर बदले। योग कहता है कि 24 घंटे में व्यक्ति का 24 बार स्वर में परिवर्तन होता है, हर घंटे स्वर बदल जाते हैं। एक घंटे में राइट चलेगा, कभी लेफ्ट चलेगा, कभी राइट चलेगा, कभी लेफ्ट चलेगा। अगर हर घंटे में स्वर बदल रहे हैं तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति का संतुलन वो संतुलित है, स्वर स्वस्थ सही है। और इसमें एक और बात साथ साथ ध्यान देनी होती है कि स्वर अगर व्यक्ति संतुलन में है, स्वस्थ है, तो उसके साथ एक खास बात है, स्वर बदलते रहेंगे घंटे घंटे, लेकिन अगर आपके सामने भोजन की व्यवस्था आ जाए, आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए कौन से स्वर चलने चाहिए जिससे भोजन का पाचन तंत्र अच्छा काम कर सके। भोजन के वक्त अगर हमें भोजन करने की जरूरत है तो उस समय हमारे भीतर अगर सूर्य स्वर चले तो हमारा भोजन का पाचन बेहतर हो सकेगा। इसलिए कई बार हम बताते हैं लोगों को कि अगर पाचन तंत्र किसी का ठीक नहीं है तो थोड़ा सा स्वरों के ऊपर ध्यान देने की बात हम करते हैं कि अगर स्वरों को संयमित कर दें, नियंत्रित कर दें, स्वरों को बदलने के तरीके हम आपको सिखा देते हैं, अगर उन तरीकों को आप परिवर्तित कर दें जिससे जिस समय जरूरत है वही सर चला दें तो आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ। यानी भोजन करते वक्त हमारा स्वर स्वर चलना चाहिए, और अगर भोजन करते वक्त अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो उसका पाचन तंत्र कभी अच्छा काम नहीं। लेकिन अगर निंद के लिए हम अपने पलक पे चले गए, करवट ले रहे हैं, निंद नहीं आ रही है, तो आप अपने स्वरों को चेक कीजिए, आप पाइएगा कि उस समय आपका राइट नॉस्ट्रिल खुला होगा, यानी स्वर स्वर खुला होगा, इसलिए नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि उस एक्टिविटी का स्वर है वो आपको एक्टिव करता है। लेकिन चंद्र स्वर के लिए, निंद के लिए हमें चंद्र स्वर का चलना जरूरी है। और जैसे ही हम निंद के लिए अपने पलंग पे जाते हैं, अगर हम संतुलित हैं, व्यवस्थित हैं, संतुलित अगर हम हैं, तो उसी समय जैसे ही हम अपने पलंग पे जाएंगे अपने आप से स्वर परिवर्तित हो जाएगा और उस समय हमारा चंद्र स्वर चलने लगेगा तो नींद अच्छी आएगी। हम आपको ध्यान के प्रयोग करवा रहे हैं, ध्यान के लिए सूर्य स्वर चले तो अच्छा नहीं है, चंद्र स्वर चले तो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो कहते हैं, योग कहता है, ये अंतरयात्रा का प्रयोग कहता है कि अगर अंतरयात्रा का प्रयोग आप करेंगे तो इन दोनों स्वरों के बीच एक संतुलन पैदा होगा। ये दोनों स्वर संतुलित हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, और अगर दोनों स्वर संतुलन में आ गए तो योग कहता है एक तीसरी नाड़ी खुलती है जिसको कहते हैं सुषुम्ना का जागरण। सुषुम्ना का जागरण तभी संभव है जब दोनों स्वर संतुलन में होंगे, वरना दोनों स्वर अगर असंतुलन में रहे तो सुषुम्ना का जागरण न हो सकेगा। और सुषुम्ना का जागरण होना, सुषुम्ना का जागरण होना इस बात को इंगित करता है, ये आगरा से सर आवाज आ रही है, अपने को अनम्यूट कीजिए सर प्लीज, आगरा से जो सर हैं जी आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए सर अपने आप, म्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट करें, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोनों स्वर का संतुलन योग कहता है कि अगर संतुलित होती है तो तीसरी नाड़ी जागृत होती है जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना का जागरण अपने आप से जुड़े होना, अध्यात्म की बात जो हम कहते हैं, ध्यान की बात हम कहते हैं, वो अलग नहीं है।
हम लोग जंतर यात्रा के प्रयोगों में सुषुम्ना का प्रयोग करते हैं, बट सुषुम्ना जागृत नहीं होता है। अगर जागृत हो गया तो आपका बिल्कुल ध्यान की गहराई में आप चले जाओ। और इसीलिए योग में कहते हैं कि इन दोनों स्वरों का संतुलन होना आवश्यक है, ताकि आप अपने आप से, अपने अंत से, अपनी चेतना से जुड़ सके। इसका मतलब है कि हमें अपने स्वरों को संयमित करना होगा, संतुलित करना होगा। अगर जैसे कई बार आप पलंग पे चले जाते हैं, नींद नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे? कैसे चाहिए, चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर, आखिर स्वर परिवर्तित कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि जिस साइड की करवट लेते हैं, जो अंग ऊपर होता है उस तरह का स्वर खुल जाता है। अगर लेफ्ट साइड की करवट लेंगे तो राइट स्वर खुल जाएंगे, राइट साइड की करवट लेंगे तो लेफ्ट स्वर खुल जाएगा। अगर इसका एक प्रयोग यह है कि हम लेट गए हैं तो, लेकिन हर स्थान पर हमें उस तरह से नहीं कर सकते, लेट नहीं सकते। इसके लिए दूसरा भी प्रयोग बताया गया है कि जिस हाथ की इंडेक्स फिंगर आप देख रहे हो, पहली उंगली देख रहे हो, इसको अगर अंगूठे की जड़ में लगा दें और इस अंगूठे को इसके मिडल भाग पे, दूसरे वाले जोड़ पे, पहला जोड़, दूसरा जोड़ और तीसरा जोड़, तो बीच वाला जोड़ है, अगर उसके ऊपर अंगूठे को हल्का सा बैंड कर दे, इस तरह से आप देख रहे हैं, हल्का सा बैंड करते और हल्का सा प्रेस करें, बहुत ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करके 5 मिनट के लिए अगर हम रुके तो जिस हाथ की करेंगे उस तरफ का स्वर खुल जाएगा। यानी हमने राइट को कर रखा है तो हम इस तरह से, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें स्वरों को परिवर्तित करना है हमारे समयानुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार, हम अगर भोजन कर रखे हैं और चंद्र स्वर चल रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें ये स्वर अगर बैठ कर हमें करना है, वज्रासन में बैठे उस समय हमें इस तरफ के स्वर को दबा देना चाहिए, ताकि हमारा राइट चल जाए, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक। लेकिन अगर हम ध्यान के लिए बैठे हैं, अगर कई बार आपने देखा होगा कि ध्यान के क्रम में 3 कंडीशन बनते हैं। पहला वह कंडीशन होता है जब आप बिल्कुल ध्यान नहीं, मन चंचल होता है, विचैन होता है, व्यग्रता होती है और ध्यान छोड़ देते हैं। दूसरा क्रम वह होता है कि ध्यान थोड़ा थोड़ा हो जाता है, और तीसरा क्रम वह होता है ध्यान बेहतर होता है, बहुत सुंदर होता है। जब आपका, आप जिस दिन ध्यान ना हो उस दिन आप देखिएगा तो आपका राइट नॉस्टिल चल रहा होगा, राइट नॉस्टिल सूर्यश्वर, जिससे ध्यान अच्छा नहीं हो सकता, वो एक्टिविटी के लिए। लेकिन इसी दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान ठीक लग रहा हो उस दिन वॉच कीजिएगा, आपका लेफ्ट नॉस्टिल चलेगा, यानी ध्यान थोड़ा थोड़ा ठीक होगा। लेकिन किसी दिन ध्यान बहुत अच्छा होगा, लगेगा काज तो मजा ही आ गया, इसका मतलब उस दिन अगर आप अपने स्वरों को चेक कीजिएगा तो उस समय दोनों नॉस्टिल समान रूप से चल रहे हैं, और इसी को सुषुम्ना कहा जाता है। यानी जब दोनों नॉस्टिल समान रूप से चलने लगे तो इसका मतलब सुषुम्ना हमारी जागृत हो गई है, और अब चेतना समग्र रूप से हमारी सुषुम्ना में आ गई है। अगर हम उसके प्रयोग को थोड़ा सा लंबा करेंगे तो ध्यान में जाने में हमारे लिए आसानी होगी, सहूलियत हो जाएगी। तो इसका मतलब है, अगर नींद लेना है, पलंग पे लेटे हुए हैं तो क्या करना है हमें? क्या पानी पी रहे हैं, जब ठंडे वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं तो उस समय हमारे लिए चंद्र स्वर को चलना चाहिए। यानी अगर लेफ्ट हैंड की अंगूठे से हल्का सा बीच वाले भाग पर हम प्रेस कर दें तो लेफ्ट स्वर चलने लगे। तो यानी अगर दोनों को हम एक साथ दबा दें फिर क्या होगा? फिर दोनों स्वर समान रूप से चलेंगे। कई बार हम बताते हैं कि ध्यान की पूर्व तैयारियों में, जो हमने बताया भी था, उस पूर्व तैयारियों में हम इन स्वरों को भी संतुलित करें। जब भी ध्यान के लिए आप बैठते हैं तो शुरू के 4-5 मिनट जो तैयारी में लगती है उस समय अगर आप इस तरह से बैठें, यानी इंडेक्स फिंगर को दबा कर उसके मिडल भाग पर दबा कर बैठे, हाथ को गोदी में रख दें और धीरे धीरे श्वास लें और अपनी क्रियाओं को करें, तो 4 से 5 मिनट के अंदर दोनों स्वर समान रूप से खुल जाएंगे। और अगर दोनों स्वर समान रूप से खुल गए तो सुषुम्ना का जागरण होगा, और सुषुम्ना का जागरण होते ही व्यक्ति एक शांत स्थिति में आ जाता है, शांत अवस्था में आ जाता है। और जैसे ही शांति आपके भीतर आती है ध्यान का क्रम आपका बेहतर हो जाएगा। इसलिए ध्यान की पूर्व तैयारियों में आप स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अंतर यात्रा के प्रयोगों से जिनका संतुलन में नहीं है उनका भी संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। क्योंकि चेतना को जब सुषुम्ना नाड़ी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ट्रेवल करवाएंगे तो अपने आप सुषुम्ना एक्टिव होने लगता है और स्वर दोनों संतुलन में आ जाए। इसलिए खास तौर पे कहा गया है अंतर यात्रा के प्रयोगों के माध्यम से हमारे स्वर संतुलन में आ जाते हैं, और स्वर संतुलन होने से व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाने में आसानी।
इसका मतलब आध्यात्मिक यही हो गया कि जैसे ईश्वर संतुलन में आएंगे अंतर यात्रा के प्रयोग से, आप अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से, अपने आप से जुड़ जाएंगे और यही ध्यान का मूल उद्देश्य। इसका मतलब हो गया पहला था ऊर्जा का उद्धारोहण, दूसरा ईड़ा और पिंगला का संतुलन, यानी अंतर यात्रा के प्रयोगों के माध्यम से ईड़ा और पिंगला का संतुलन होता है, बैलेंस। लेकिन वैज्ञानिक पक्ष को हम थोड़ा सा समझ लें, बाकी इसकी चर्चा हम आगे आपको डिटेल रूप से नर्वस सिस्टम से करेंगे और नर्वस सिस्टम में हम आपको बताने का सारा चीज प्रयोग करेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली अब हम मंडे से जब शुरू करेंगे तो नर्वस सिस्टम से हम प्रारंभ। शुरुआत क्या, इसको समझना क्या है, इसको समझना है कि साइंस ने वैज्ञानिकों से पूछा गया, योग में तो कहा गया स्वर की बात की गई, कीड़ा और पिंगला की बात की गई, जब वैज्ञानिकों से यही प्रश्न पूछा गया कि भाई हमारे योग में ऋषि मनीषियों ने ईड़ा और पिंगला की बात की है, आपका क्या कहना है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि मैंने तो जो कुछ भी प्रयोग किए हैं इन प्रयोगों के आधार पर हमने तो यही देखा है कि कोई ईड़ा और कोई पिंगला नाड़ी नहीं है शरीर के अंदर, क्योंकि ये नाड़ियां योग के हिसाब से जो नाड़ियां हैं ये अति सूक्ष्मतम है जो मशीनों के पकड़ से अलग है। लेकिन साइंस ने एक बात जरूर कही, एक बात यह कही कि ईड़ा और पिंगला नाम की तो नाड़ी हमें कहीं नहीं दिखाई थी, लेकिन एक नाड़ी हमें मिली। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत एक नाड़ी आती है जिसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हम आगे चर्चाएं करेंगे आपसे, डिटेल बताएंगे उसका। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक कहलाता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक कहलाता पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जरूर कहा साइंस ने, विज्ञान ने यह बात को प्रूव किया कि मैंने यह पाया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी व्यक्ति के भीतर ज्यादा एक्टिव अगर हो जाता है, उस व्यक्ति में क्रोध, आवेश, आवेग, उदंडता, आक्रामकता, ये प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के भीतर मैंने यह देखा कि पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ज्यादा सक्रिय हो जाए तो वह व्यक्ति शांत हो जाता है, पीस में चला जाता है, ज्यादा ही शांत एकांत प्रिय, कटा कटा सा और खिन्न खिन्न सा हो जाता है। ये विज्ञान ने सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक नर्व्स की बात की है, जो ऑलरेडी विज्ञान का प्रूफ करता है। और योग ने भी यही बात कही है, यहाँ नामकरण में जरूर फर्क है बट बातें तो लगभग एक जैसी है। यहाँ भी कहा गया है, वहां कहा गया सिंपैथेटिक, यहाँ कहा गया पिंगला नाड़ी, वहां कहा गया, यहाँ कहा गया ईड़ा नाड़ी, वहां कहा गया पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी पारासिंपैथेटिक के एक्टिविटी से हमारा चंद्र स्वर को प्रभावित होता है, जिसका मतलब हमारी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो रही है। और सिंपैथेटिक की बात जब साइंस ने कही, उसका संबंध अगर योग में देखें तो उसका संबंध हमारी पिंगला नाड़ी से है, जिसको वैज्ञानिकों ने कहा कि जब सिंपैथेटिक की एक्टिव हो तो आक्रामकता बढ़ती है। इधर हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तो ज्यादा आक्रामक, ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसका मतलब योग और विज्ञान एक स्थान पर, नामकरण में फर्क है बट एक स्थान पर दोनों आकर मिल जाते हैं। ये प्रूफ करते हैं कि साइंस का सिंपैथेटिक योग का पिंगला नाड़ी है और साइंस का पारासिंपैथेटिक योग की ईड़ा नाड़ी है। ये प्रूफ हो गई। वैज्ञानिकों से ये पूछा गया, चलो ये बात तो ठीक है, ये प्रूफ हो रही है, लेकिन आप हमें यह बताएं कि योग कहता है कि ईड़ा और पिंगला के संतुलन से व्यक्ति के भीतर सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे भीतर ऐसी कोई नाड़ी नहीं जिसको सुषुम्ना कहा जाए। हमारी सुषुम्ना तो स्थूल है, हम स्थूल सुषुम्ना की बात करते हैं, जो मेडल ऑफ लिगेंटा, तो मैं बताऊंगा आगे, वहां से शुरू होकर बॉटम ऑफ द स्पाइन यानी 27th वर्टिब्रा तक आकर खत्म हो जाती है। जो वैज्ञानिक सुषुम्ना नाड़ी, ध्यान रखिएगा इन बातों को, कभी एक दूसरे से मैच ना करें। साइंस की सुषुम्ना, स्थूल सुषुम्ना डिफरेंट है और योग की सुषुम्ना डिफरेंट है, इसको खास दिमाग में रखिएगा। यानी ध्यान का जब प्रयोग करेंगे, योग की सुषुम्ना की बात की जा रही है, और अगर डॉक्टर बात करेंगे तो फिजिकल सुषुम्ना की बात करेंगे, जो सुषुम्ना स्थूल रूप में है, वो बंचेज ऑफ नर्व्स हैं, बंचेज ऑफ न्यूरॉन्स हैं,
जो ब्रेन से लेकर यहां से लेकर 27वें नंबर रीढ़ की हड्डी के 27वें नंबर वर्टिब्रा तक आती है, वहीं जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन योग की सुषुम्ना की जब बात की जाती है और टॉप ऑफ द हेड से शुरू होती है, योग ऐसा मानता है सहस्त्रार चक्र जिसे कहते हैं, टॉप ऑफ द हेड से बॉटम ऑफ द स्पाइन जिसको मैंने प्रेनियम बताया था, प्रेनियम तक पहुंचती है वो, ये योग की है जो अति सूक्ष्मतम है और मशीन से पकड़ से परे है। अभी कोई भी मशीन ऐसी नहीं आई जो उस योग की सुषुम्ना को पकड़ सके। हाँ, स्थूल सुषुम्ना की बात की जाती है, लेकिन योग की सुषुम्ना डिफरेंट और विज्ञान की सुषुम्ना डिफरेंट। इसलिए ध्यान के प्रयोग में जब आप ध्यान का पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं तो वह सुषुम्ना जो अति सूक्ष्मतम स्तर पर है उस सुषुम्ना को अनुभव कर पाते हैं और वहां सेंसेशन और वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। और जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा वो बॉटम से लेकर उस योग की सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जाता है। यानी विज्ञान ने ये बात मान कह दिया कि सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक तो है बट सुषुम्ना नाड़ी हमारे भीतर नहीं है। लेकिन एक चीज कहा वैज्ञानिक ने कि जब सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का संतुलन होता है, बैलेंस होता है, तो हमने यह पाया है कि व्यक्ति के भीतर एक विशेष किस्म का वेव्स चलने लगता है। हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के वेव्स चलते हैं, अल्फा वेव्स, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, इस तरह से कई वेव्स हैं। साइंस वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया है कि कौन सा वेव्स चलेगा तो उस व्यक्ति के भीतर किस तरह की समस्याएं होंगी। वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर अल्फा वेव्स चलते हैं तो वह व्यक्ति शांत हो जाएगा, बीटा चलते हैं तो विचारों की श्रृंखला उनके भीतर होगी, थीटा और डेल्टा चलते हैं इसका मतलब उसके भीतर और ज्यादा विचारों की श्रृंखलाएं बढ़ती जा रही हैं, वो इस क्रम से एनालाइज कर रखा है। वैज्ञानिकों ने यह बात जरूर कही कि जब सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम संतुलन में आते हैं, बैलेंस होते हैं, तो व्यक्ति पीस में चला जाता है, शांत में आ जाता है, और क्योंकि उसके भीतर उस समय मस्तिष्क के भीतर अल्फा वेव्स चलने में, इस साइंस ने रिसर्च के माध्यम से बता दिया कि अल्फा वेव्स चलते हैं और अल्फा वेव्स का चलना व्यक्ति का शांत होना कोई अलग नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। इसका मतलब योग भी कहता है कि जब ईड़ा और पिंगला का संतुलन होता है तो व्यक्ति सुषुम्ना का जागरण होता है और सुषुम्ना का जागरण में अल्फा वेव चलने लगते हैं जो व्यक्ति को अधिष्ठान। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे भीतर ईड़ा और पिंगला के संतुलन से, जो साइंस की भाषा से कहे सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक के संतुलन से, व्यक्ति पीस में आ जाता है, शांति में आ जाता है, योग के हिसाब से सुषुम्ना का जागरण हो जाता है, विज्ञान के हिसाब से पीस में आ जाता है। बात एक ही, इसका मतलब जो बातें हमारे ऋषि महर्षि ने पीछे कह रखी हैं वो बातें विज्ञान भी प्रूव करता है कि ये बातें सत्य है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं जो इनकार किया। अब एक खास बात हमारे योग शास्त्रों में बताया गया है, यह कि योग शास्त्रविद कहते हैं कि अगर ईड़ा और पिंगला का संतुलन हो गया तो व्यक्ति ध्यान में चला जाए, और योग कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन ऐसे दो क्षण आते हैं जब ईड़ा और पिंगला संतुलन में आ जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, आप हम सब, लेकिन हमारी जिंदगी में कब आया हमें पता ही नहीं चला। योग के ऋषि मनीषियों ने बताया कि यह वह क्षण होता है जिसे कहते हैं जहां न दिन हो न रात हो, यानी दिन और रात जहां मिल रहा हो उसको कहते हैं योग की भाषा में संधि काल, यानी संधि है जहां जोड़ है, न दिन हुआ है न रात है, यानी सुबह के वक्त में जिसको हम उषा काल कहते हैं, सुबह का समय उषा वेला, ब्रह्म मुहूर्त भी कह लेते हैं, यानी जहां दिन नहीं है, रात नहीं है, अभी सूर्य उगने को तैयार है, उगा नहीं है, वो क्षण ऐसा होता है जिस क्षण में दोनों नाड़ी संतुलन में आ जाती है, संधि काल, यानी उस समय व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस कर सकता है। इसका मतलब, और संध्या के समय में भी एक वक्त आता है जिसको कहते हैं गोधली वेला, सूर्यास्त होने को है, यानी हो रहा है, और न दिन है न रात है, सूर्यास्त गोधली वेला जिसे आप कहते हैं बीच की स्थिति, उस स्थिति में भी व्यक्ति शांत होता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी योग की बात की जाती है, ध्यान साधना की बात की जाती है, तो कहा जाता है सुबह सुबह करें,
क्यों? क्योंकि सुबह सुबह मन शांति स्थिति में होगा, ध्यान का प्रयोग आपका बेहतर हो सकता है, या संध्या के समय में भी, क्योंकि अगर मन शांत होगा और अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो इसका मतलब शरीर मुश्किल में आएगा और चीजें सही नहीं हो पाएंगी। इसलिए संध्या के समय में हमारे ऋषि महर्षियों ने संध्या वंदना की व्यवस्था रखी है। और ये संध्या वंदना कब किया जाता है? गोधली वेला के समय में। आज भी गांव के स्तर पर अगर चले जाइए तो ये गोधली वेला का वक्त ऐसा होता है जब इसकी व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब है धूप, क्योंकि उस समय शांति होती है, उस समय पूजा अर्चना ध्यान प्रार्थना जो कुछ भी कर लें, ध्यान कर लें, सॉरी, वो प्रयोग आप इसको कर सकते हैं। यानी वो समय ऐसा है जो प्रकृति ने स्वतः रूप से व्यक्ति के भीतर दिया है, और ये दोनों समय बड़ा महत्वपूर्ण। ये था अंतरयात्रा का आध्यात्मिक बिंदु। 2-3 मिनट में मैं इसके प्रयोग की चर्चा कर देता हूं, ताकि आप इसके जब प्रयोग करवाए जा रहे हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है, अगर किसी को अंतरयात्रा सध गया तो उसका भौतिक जगत से बेड़ा पार हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश नहीं। लेकिन ये प्रयोग सधना थोड़ा सा कठिन है, बट अगर साधे तो कोई बहुत कठिन नहीं। प्रयोग में हम कहते हैं कि अपने चित्त को, प्रक्रिया कैसे की जाएगी? सबसे पहले अपने चित्त को, चेतना को, कॉन्शियस को, होश को, अवेयरनेस को, अपने बॉटम ऑफ द स्पाइन क्रेनियम यानी एनस और यूरिनल के बीच के भाग पर केंद्रित करिए। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितने देर आप रुक सकते हैं वहां रुकिए, देन फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रेनियम, उस पर पूरी तरह एकाग्र रहिए, उसे इधर से उधर जाने न दे मन को। जैसे ही प्रेनियम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, प्रेनियम एक्टिव होने लगेगा, सक्रिय होने लगेगा। पहला काम शुरू के कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेनियम, यानी रीढ़ के हड्डी के सबसे निचला छोर, गुदा के पास, बॉटम ऑफ द स्पाइन, जिसको प्रेक्षा ध्यान में शक्ति केंद्र, योग में मूल आधार कहा गया है, उस पर ध्यान को केंद्रित। ये पहली स्टार्टिंग यही से होगी। थोड़ी देर के बाद आप अपने चित्त को, चेतना को, कॉन्शियस माइंड को बॉटम से उठाएं, टॉप की ओर लाएं, चोटी तक लाएं, नीचे से रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी, जस्ट इमेजिन ए नाड़ी, टॉप से बॉटम तक एक नाड़ी को कल्पना कीजिए कि एक नाड़ी है, बड़ी सूक्ष्मतम है। अपने चित्त को, अपनी चेतना को बॉटम ऑफ द स्पाइन से होकर टॉप ऑफ द हेड तक ले जाइए, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, इन द मिडल ऑफ योर स्पाइन, स्पाइन के बीच में से तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये कॉन्शियसली करेंगे। देखेंगे थोड़ी सा कॉन्सेंट्रेशन अगर डेवलप हो गया, बढ़ गया, तो आपको सेंसेशन, वाइब्रेशन पता चलने लग जाएगा, पकड़ में आने लग जाएगा। फिर थोड़ी ही देर के बाद थोड़ा सा चीजों को परिवर्तित हम करेंगे। परिवर्तित हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस कॉन्शियसली जा रहे थे, अब हम श्वास के साथ कोऑर्डिनेट कर देंगे। यानी व्हेन यू एक्सहेल, व्हेन जब आप श्वास छोड़ें, बाहर निकालें, तो नीचे से ऊपर की यात्रा करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे से ऊपर जाना है और इनहेल करते हुए ऊपर से नीचे जाना है। जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, तो जब बाल्टी से भरा हुआ बाल्टी ऊपर लेते हैं, रस्सी को बाहर निकालते हैं, जब कुएं से बाहर निकलती जाती है तो बाल्टी ऊपर आता जाता है, यानी ऊपर तक। और जैसे ही बाल्टी को नीचे डालते हैं तो रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं, तो श्वास को जब भरेंगे तो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। यानी छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे से ऊपर आना है, इनहेल करते हुए ऊपर से, यानी श्वास के साथ अपने ब्रेथ का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। ये तीसरा स्टेप बनेगा। चौथे स्टेप में इसे करिए, जो और बेहतर प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि और अच्छा करना है, तो बॉटम ऑफ द स्पाइन को मान के चलिए, वो एनर्जी का अनंत भंडार है। जैसे कुआं जल से भरा हुआ होता है, वैसे ही इन्फिनिट एनर्जी भरी पड़ी है, जब कॉन्सेंट्रेट करते तो वो एनर्जी एक्टिव होने लगती है। अब आप इमेजिन क्या करेंगे कि जब श्वास छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, उस ऊर्जा को साथ उठाते हुए ला रहे हैं और मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं, और मस्तिष्क में उस ऊर्जा को छोड़ दीजिए, और फिर खाली कॉन्शियस माइंड को ऊपर से नीचे ले जाए श्वास भरते हुए। यानी जब भी श्वास छोड़े तो नीचे से ऊर्जा को उर्ध्वगमन करते हुए मस्तिष्क तक लाइए और ऊपर से खाली चले जाइए। यानी कुएं में से जब पानी निकालते हैं तो पानी ऊपर लेकर आएंगे और अपने बर्तनों में उढ़ेल लें, यानी ये मस्तिष्क हमारा बर्तन है, उसमें उढ़ेल दीजिए और खाली बाल्टी को फिर से छोड़ दीजिए। इस तरह से ऊर्जा का उर्ध्वगमन करें।
और थोड़े ही अभ्यास के बाद ये महसूस होने लगेगा, ये ऊर्जा का उर्ध्वगमन होने लगा, तो आप फिर अब क्या करें, मस्तिष्क एक्टिव होने लगेगा, सक्रिय होने लगेगा। जैसे ही मस्तिष्क तक ऊर्जा पहुंचती है उसे आप पूरे शरीर में फैलाएं। अगर कोई समस्या है तो समस्याओं की ओर ले जाए, अभी प्रयोग में यही करवाया जा रहा है, और अगर समस्या नहीं है इस ऊर्जा को मस्तिष्क से पूरे शरीर में फैला दें और ऐसा महसूस करें कि पूरा शरीर एनर्जेटिक हो गया है। देखेंगे अंतर यात्रा के प्रयोग से वो चमत्कारी लाभ आप महसूस करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या लाभ हो सकता है। और असाध्य से असाध्य बीमारियों को तो ठीक करेगा ही करेगा, असली काम जो है बीमारियों को ठीक करना नहीं बल्कि आपको अपनी चेतना से अपने अंतस से जोड़ देना, ये अंतर यात्रा का प्रयोग। इसी बात के साथ अब इसका प्रयोग अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा ब्रेन को मिलती है, और क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है तो ब्रेन की क्षमताओं का विकास होगा, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और मेमोरी पावर काफी इंक्रीज हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारी मेमोरी पावर कम हो रही है क्योंकि हम उस तरह के कोई प्रयोग नहीं करते, हम सिर्फ खर्च करने की व्यवस्था करते हैं। तो जैसे ही विचार कम होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा, ऊर्जा का उद्गमन होगा, मस्तिष्क एक्टिव होने लगेगा, ब्रेन सेल सक्रिय होने लगेंगे, न्यूरॉन्स की मोर एक्टिविटी से आपकी क्षमताओं का विकास हो जाएगा और आप भौतिक जगत से अध्यात्म जगत की यात्रा की ओर प्रवेश। ये आपका अंतर यात्रा है। नमस्कार, धन्यवाद। आई एम हैविंग वन क्वेश्चन फॉर यू।